नमस्कार, मैं अशोक व्यास और मेरा सौभाग्य है कि मैं बैठा हूँ वामन भाई के साथ में। वामन पंचोली जी एक ऐसे इंसान हैं जो ज्योतिष की ज्ञान तो रखते ही हैं, पर उसके साथ साथ एक आत्मीयता की जो सौरभ है वो उनके पास आने वालों को हमेशा सुरभित कर देती है, आनंदित कर देती है। और ये जो एक निस्वार्थ प्रेम का झरना है वो अगर हम अमेरिका में बैठे हों तो हमें थैंक्सगिविंग डे की याद दिला देता है, और कहीं ना कहीं कृतज्ञता का भाव जो है वो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। ये भारत की संस्कृति का आधार है कि धुरी है, यानी भारतीय संस्कृति कृतज्ञता से परिपूर्ण है, ऐसी बात हमने सुनी है। उस बात को थोड़ा और खुलकर वामन भाई की सन्निधि में समझने के लिए हमने उनसे निवेदन किया। तो वामन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए, एक तो आपको धन्यवाद कि आपने हमारी बातचीत के लिए जो हमारा आग्रह था उसको स्वीकार किया। आप ये बताएं कि कृतज्ञता जो है वो क्यों आपको लगता है कि आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा इस दृष्टि से है कि आप सृष्टा के प्रति कृतज्ञता है, प्रकृति और अन्य सभी के प्रति। अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरी मैं कृतज्ञता की और प्रकृति के नियम के अनुसार मैं चलता हूँ, तो आपका बहुत बहुत आभार। ये संस्कार है जो मेरा जो स्वभाव है वो मेरा संस्कार है, वो मेरे परिवार का और मेरे पूरे जीवन का जो संस्कार है वो ही बात है। एक बात होती है कि हम देखते हैं क्या हमें मिल रहा है, उसके अनुसार हम किसी मनुष्य के लिए कुछ करने की सोचते हैं। इस बारे में जैसे जैसे आप संस्कारित होते हुए आपने जीवन को जानना समझना शुरू किया, आपका अनुभव क्या रहा? ये जो हम जिस युग में हैं, वो मार्केटिंग का युग कह दो, कंज्यूमरिज्म कह दो, सभी लोग सोचते हैं कि भाई व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी, मारो बच गई या मेरा क्या नहीं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, तब कभी भी मिलना जो होता है वो देने से मिलता है। कभी ऐसा नहीं हुआ, आज तक देखा नहीं कि मांगने से या किसी प्रलोभन से अगर कुछ काम किया है तो उसका जो फायदा रहता है वो एक क्षणिक रहता है, और थोड़े समय तक लगता है हमको कि कुछ हो रहा है, लेकिन बाद में जाके तो उसमें कुछ मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि त्याग से और भाव से जो बात होती है वही हमको परिणाम देती है। और ऐसे देखने जाओ तो पूरा जगत, पूरी दुनिया जो भी है सब भाव रे, यानी हमारा जो भाव है वही हम प्राप्त करते हैं। तो जब भी मैं कुछ करता हूँ तो एक ही भाव से करता हूँ, कोई लेने की भावना नहीं, लेकिन अच्छाई की भावना, कृतज्ञता की भावना, तो उसकी वजह से मुझे वही मिलता है। जो मैं देता हूँ वही मुझे मिलता है, जो देता हूँ वो मुझे मिलता है। ऐसा कहते कहते आपने कहीं ना कहीं वो बात ला दी, जैसे मेरी दादी कहा करती थी, राख पत रखा पत, यानी हम रखेंगे तो और लोग भी रखेंगे। पर मूल में और लोग रखेंगे या नहीं रखेंगे वो हमारा ध्यान उस पर नहीं होता है, पर एक सहज भाव से जो हमारे भीतर आ रहा है उसको आप प्रेम का प्रकटन कह दीजिए, आत्मीयता का प्रकटन कह दीजिए। तो आपके जीवन को थोड़ा और समझने का प्रयत्न करते हुए, जो बचपन आपका रहा उसमें ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो भारतीय संस्कार हैं वो भी इस तरफ ले जाते हैं हमें। आप याद करें कि सबसे पहले कोई ऐसी घटना हुई हो, चाहे आपके पिताजी की तरफ से, किसी मित्र, किसी शिक्षक की तरफ से, जिसकी मनुष्य की करुणा ने आपको छू लिया हो, ऐसा कोई प्रसंग याद आता है? देखो, करुणा ने छू लिया वो बात तो शायद समझने जाऊँ तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो पिताजी जो थे भागवत के परम उपासक थे, भागवत जी का मेरे घर के अंदर जो प्रवाह था उस प्रवाह का शायद मेरे पर असर लग सकता है, हो सकता है। और दूसरी बात जहाँ तक है, तो मिलना नहीं मिलना वो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मेरा कर्तव्य जो है वो मैं ध्यान में रखता हूँ। अगर किसी ने कुछ किया ना किया उसका मेरा ध्यान नहीं है, लेकिन आज तक मेरा अनुभव है कि दुनिया में कोई भी इंसान खराब नहीं होता है, इसकी परिस्थिति खराब होती है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो अपने दायित्व से कर रहे हैं, सामने वाले का दायित्व खुद जाने और उसके ऊपर कभी नज़र भी नहीं रखी, इसीलिए आज तक जिंदगी में कभी कोई तकलीफ भी नहीं हुई मुझे। तो ज़िंदगी में और किसी को भी तकलीफ नहीं हो, इस तरह का कोई सूत्र यदि हम वामन भाई के पास बैठकर याद कर सकें, चाहे उनके अनुभव से आए, चाहे शास्त्रों की जो पारंपरिक दृष्टि है उसको हमारे भीतर विकसित करने से आए। तो वामन भाई, अभी हम जिस युग में हैं बहुत कम लोग हैं जो इतनी आश्वस्ति से ये कह सकते हैं कि कभी तकलीफ नहीं आई, या किसी के प्रति मन में कोई
खुनखुनाहट नहीं हो कि मेरे साथ अमुक बात नहीं हुई, अमुक ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, तो एक संतोष का जो भाव है ना, संतोष और माधुर्य, वो मनुष्य के साथ रहें, इसके लिए क्या संकेत आप दे सकते हैं? मुझे ये भी आपके जोड़ने दीजिए, क्योंकि हम अक्सर अपने संतोष को एक शर्त के साथ बांट लेते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा तब मैं संतोष रहूँगा, ऐसा हो जाएगा तब मैं सुखी होऊंगा। नहीं, आपने जो संतोष की बात की तो वैसे मेरे में कुछ है नहीं कि मैं जो हर चीज़ करता हूँ तो मेरे संतोष की वजह से करता हूँ, लेकिन वो बात मुझे पक्की पता है कि देने से मिलता है, लेने से मिलता कभी नहीं है। और संतोष की जहाँ तक आपने बात की तो संतोष किस बात का, अगर देखो तो आज तक बचपन से आज तक मैंने कोई ये, अगर मेरे हाथ में ज्योतिष शास्त्र है या शास्त्रार्थ करने का मेरा दायित्व है और डायस भी मेरे पास है, कभी भी किसी से मैंने कोई धर्म के अंदर कोई कभी किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचा के अपना कुछ उपार्जन करने का कोई कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी आज तक मेरा कुछ बिगड़ा नहीं। आज देखने जाओ तो इस ज्योतिष के विषय में 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ, आज तक कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, फिर भी लेकिन देखने जाओ तो आज मैं दुनिया में मेरे हिस्सियत के हिसाब से मैं बहुत आगे हूँ। आज बच्चे भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, समाज भी इतना प्यार दे रहा है, और दूसरा मैं प्यार का भूखा हूँ। कभी मैंने सोचा नहीं कि ये मेरा संत, लेकिन हाँ संतोष अगर है मेरा तो एक ही जगह पे है, अगर मुझे जो प्यार मिलता है उस प्यार में मैं संतोषी हूँ। लेन देन की बात तो ऊपर वाला जाने, लेकिन मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि प्यार चाहिए और प्यार मिल रहा है और उसी में मैं, उसी बात का मुझे बहुत बड़ा संतोष है। जैसे आप लोग, आपके जैसा प्यार मुझे मिला, देखो मेरा और आपका परिचय कितना कम था, फिर भी आज अगर हम दो भाई की तरह बैठे हैं, दो भाई की तरह बात कर रहे हैं, एक दूसरे के जैसे सालों से जानने वाले वैसा है, तो ऐसा हुआ कैसे? बस सिर्फ कुछ नहीं, उसमें प्यार ही प्यार था, दूसरा कुछ नहीं था। ये जो प्यार है उसको लेके बहुत सारे गीत हैं, उन गीतों की तरफ मैं जाने लगूंगा तो हम दोनों की बात रह जाएगी। फिर भी ये पंक्ति एक है कि भाई दे दे प्यार दे, तो वो गाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप किस भाव से जा रहे होते हैं उसमें जाते। मैं आपको माइक देने से पहले एक बात और जोड़ देना चाह रहा हूँ कि गुरुजनों से ये सुना है, जो सत्य है, जो ईश्वर है, वो परिपूर्ण है, पर फिर भी उसमें ये इच्छा है कि हम उसको जाने। तो जो सर्वत्र सर्वव्यापी अखंड चेतना है वो भी ये चाहती है कि हम उसको जाने। तो उस दृष्टि से आपने ईश्वर को जानने की दिशा में भी जो साधना की और जिस प्रकार का आपका भाव रहा है, उसके बारे में भी कुछ बताएं। तो ये बचपन की बात है, मैं बहुत शरारती था और पिताजी धर्म के बाबत में बहुत होनहार थे। उन्होंने ईश्वर की परिभाषा मुझे बताई थी कि ईश्वर क्या है, तो ईश्वर है ब्रह्मांड के उस पार, ब्रह्मांड के उस पार अंधकार से 10 अंगुली ऊपर, ब्रह्मांड से 3 गुना शक्ति में जो है वो भगवान है। और ध्यान सिखाया था मुझे कि इस ब्रह्मांड की शक्ति और इस ब्रह्मांड के नायक परब्रह्म को कैसे बुलाना और कैसे उसको भजना, वो उन्होंने सिखाया था। और वो बात इतनी लंबी चौड़ी है कि अगर मैं उसके लिए 3 और 4 दिन अगर 6-6 घंटा अगर लेक्चर दूँ, यानी समझ दूँ, तब शायद मैं उसमें कुछ समझ पाऊँ, आप लोग समझे उससे ज़्यादा मैं कुछ समझ पाऊँ, इतनी लंबी चौड़ी बात है। और जैसे आपने संतोष की बात की तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है मेरे परिवार का, मेरे दोनों बच्चों का, मेरी घरवाली का, जो प्रज्ञा जिसका नाम है उसके आने के बाद और फिर मेरे दोनों बच्चे के बाद और उन लोगों के सहकार से मेरे जीवन में जो कुछ हुआ वो सब कुछ मैं जानता हूँ कि मैं संतोषी था उससे ज़्यादा वो लोग थे। और इसीलिए मैं दुनिया की सेवा कर सका, लोगों की सेवा कर सका, और आज मुझे जो मान मिल रहा है, जो आप जैसे आप लोगों के जैसा प्यार मिल रहा है, वो सब कुछ जो है वो मेरे परिवार के हिसाब से है। परिवार जो है वो प्यार से जब लबालब भरा हो और सारे संसार में परिवार का भाव आने लग जाए, वो एक ऐसी अवस्था है जिसके बारे में वो शायद अधिक बता सकते, पर वो अनुभव करने की बात है। वामन भाई, एक बात जो हम आज के समाज में अक्सर देखते हैं, और चाहे चंद्र हो चाहे रवि हो चंद्र और रवि और जो हमारे सब अष्टमूर्तियां हैं उनका स्मरण करते हुए, हम इस तरह से अपने अंदर शोरोगुल से भरे हैं अधिकतर
कि हम दूसरे की बात को सुनने के लिए खुले नहीं होते हैं। आपके पास बैठे बैठे मैंने देखा कई लोग आपको फोन करते हैं और कई लोगों की तरफ से आपकी कोई अपेक्षा न होते हुए भी आप पूरी धैर्य के साथ में न केवल उनकी बात सुनते हैं अपनी तरफ से समाधान देने का भी प्रयत्न करते हैं। पर मुख्य बात यह है कि इस तरह का आकाश हमारे भीतर हो, इस तरह का विस्तार हमारे भीतर हो कि हम पूरे धैर्य के साथ दूसरे की बात सुन पाए, जैसे अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं। तो ये वाली जो, इसको अगर हम कला कह दें या ये जो अवस्था है, वो आपके भीतर सहज ही हो गई या आपको लगता है कि ये धीरे धीरे बढ़ी है? और दूसरा, किसी और में ये कैसे विकसित हो सकती है? देखो, ऐसे तो जान बताने जाओ तो धीरे धीरे बढ़ी है। बचपन के इतिहास पढ़ने जाओ और उसके बाद जब मेरी शादी हुई उसके बाद की बात करूँ तो ये मेरी जो सहज भावना है वो बढ़ी है। और दूसरी बात आपने बताई कि आप लोगों को सुनते और उसको सहज भाव से समझाते हो, तो बात ऐसी है कि जब मैं खुद उस चीज़ों में मानता हूँ वही चीज़ मैं बताता हूँ और वही मेरे जीवन में प्रैक्टिकल है, इसलिए मेरी बात का प्रभाव रहता है उन लोगों के ऊपर। जब मैं किसी को कोई बात बताता हूँ तो उस बात का प्रभाव उनके मस्तिष्क में इसीलिए रहता है कि पिताजी ने बचपन से सिखाया था कि अगर मैं खुद उसी दायजे में रहूँगा तो सामना वाला जरूर उस एनर्जी से लुप्त होगा और वो अपनी बात मानेगा। बस यही सिद्धांत मैं जानता हूँ, उससे अलावा कुछ नहीं जानता। अभी आपका एक जो स्वरूप ज्योतिष के रूप में है उसको सब लोग जानते हैं या बहुत लोग जानते हैं, इसलिए एक दो प्रश्न उसके बारे में करते हुए हम इस छोटी सी बातचीत का विराम करेंगे। तो ज्योतिष और अध्यात्म का जो संबंध है, वैसे तो जो 6 अंग हैं वेदों में उसमें से ज्योतिष जी, तो आप बताएं कि अब हम ऐसा देखते हैं कि ज्योतिष का मतलब है कि भौतिक रूप से मैं अपने आप को समृद्ध करने के लिए ज्योतिष के पास जाता हूँ, मतलब आम लोग की मैं ये दशा ठीक नहीं, मेरा ये ठीक नहीं, तो कैसे ठीक हो, और उसमें कुछ गलत हो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पर तो फिर अध्यात्म की तरफ होता है तो हम सोचते हैं कि निष्काम भाव से पूरी तरह ईश्वर को शरणापन्न हो जाए। तो जब ईश्वर को शरणापन्न है तो ये प्रश्न लेके ज्योतिष के पास जाना ठीक है कि नहीं है? तो इन दोनों के बारे में, ज्योतिष और अध्यात्म। देखो, ऐसे देखने जाओ तो ज्योतिष का वेद से निकलना और वेद के अंदर बताना, उसके पीछे एक ही महत्व था कि कैसे इंसान को अपने कर्म में जोड़ने का। देखो, ग्रह कंपेल नहीं करते, ग्रह इफेक्ट करते हैं, लेकिन कुंडली देखने के बाद इंसान को किसी कर्म में जोड़ने का, तो उसके लिए हमारा भी अभ्यास चाहिए। अगर हमने कभी किसी को कर्मकांड के हिसाब से अगर हम देखने लगेंगे तो हम गलत रास्ते पर जाएंगे। लेकिन उपार्जन का विषय जब बनाने जाते हैं तो हम गड़बड़ कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि लोग ऐसे गड़बड़ करते हैं, लेकिन मैं अपने लिए कहता हूँ कि अगर मैं कर्मकांड और उसको क्या समझो कि अंधश्रद्धा की ओर ले जाके अगर उपार्जन करना चाहूँ तो चाहे हो सकता है। तो जैसे उसके सामने वाला रास्ता है कि इस अंधश्रद्धा से क्यों कमाई करे, तो उसको श्रद्धा पे क्यों नहीं लगाए। तो मैंने क्या किया है कि आज तक ज्योतिष के अंदर ग्रहों के बारे में बताते बताते गीता का प्रयोग किया, मैंने भागवत जी का किया, वेद वेदांत का किया, और लोगों के जीवन के अंदर धीरे धीरे उस रास्ते पे लगा के मैंने उसको आध्यात्मिक मार्ग पे ले जाने का प्रयत्न किया। और दूसरी एक बात, जब कभी भी कोई भी इंसान किसी टेंशन में होता है, किसी प्रॉब्लम में होता है, तब जाके अगर हम किसी अच्छी बात आध्यात्मिक लेवल पे बताते हैं और उस रास्ते पे अगर इंसान जाता है तो उसके जीवन में जरूर बहुत बहुत फर्क पड़ता है। और ऐसे एक नहीं कहीं उदाहरण मेरे पास है, और लोगों को मैंने ज्योतिष के सहारे आध्यात्मिक रास्ते पे लगाया, ऐसे कहीं लोग गए, और भगवान की कृपा है कि ऐसी चीज़ मैं कर पाया हूँ, और इसीलिए मैं भगवान का बहुत आभारी हूँ और आप जैसे दोस्तों का आभारी हूँ मैं। है उसको लेते हुए मैं एक और पुल, एक प्रश्न का लेकर आपकी तरफ आता हूँ। जब आप ज्योतिष के रूप में किसी का जन्म पत्री देख रहे होते हैं तो बहुत सारी बातें आपके सामने आ जाती होंगी कि इस तरह की स्थितियाँ, तो जो कुछ कल्याणकारी है, जो कुछ उपलब्धियाँ हैं उनके साथ साथ जो कुछ सकारात्मक उस तरह से हम नहीं मानते हैं वो भी आपको पता लगता होगा।
अब इसमें हमारे संस्कारों में वैसे तो जन्म विवाह इत्यादि, पर एक है जो अंतिम संस्कार तक की यात्रा है जीवन की, तो आपको पता लग जाता है क्या उसमें कि ये आयु कितनी मनुष्य की है? और यदि लगता है तो आप बताते हैं क्या, या उस तरह से अपनी आँख बंद कर लेते हैं? क्योंकि मैंने कम ही सुना है कि कोई ज्योतिष बताते हो। हाँ, आयु की गणना हमारे ज्योतिष में है, लेकिन दो बात है कि जो पहले मैंने बताया कि ग्रह इफेक्ट करते हैं, कंपेल नहीं करते हैं, तो कभी कभी उस बारे में हम इतने जोरों से नहीं बता सकते, लेकिन सजा के बता तो देते हैं और बताना भी चाहिए। और किसी की आयु के बारे में अगर उनको कैसे हम बता रहे हैं, वो हमारा दायित्व है कि उसको सजा के बताना चाहिए, बता देना चाहिए, और ज्योतिष में वो गणना जरूर है। और दूसरी बात जो आपने बताई, तो आजकल के युवान, अगर हम सही बात, अगर मैंने कुछ समझा है, मैंने कुछ जाना है और समझाने का मेरा तरीका है, तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि पहले के लोग से ज़्यादा अभी अभी आज का युवान इस चीज़ में रुचि रखता है। लेकिन उनके प्रश्नों का जवाब चाहिए, और उसके प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमको भी तैयार होना चाहिए। वो बहुत मानते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन उसको सही रास्ता नहीं मिलता है। और वो रास्ता दिखाने का काम पिताजी के पढ़ाई, पिताजी ने जो मुझे पढ़ाई की, पिताजी के साथ जो शास्त्रार्थ किया, उसमें से उन्होंने आज के ज़माने में कैसे लोगों को समझाना वो सिखाया, और वो सिखाते सिखाते मुझे मज़ा भी है और लोगों ने अपना भी लिया, और आज कहीं लोगों को मैंने अध्यात्म के ऊपर लगा दिया। तो आपको जो मज़ा है वो आप औरों तक बांट रहे हैं, हमको भी आपसे बात करते हुए मज़ा आ रहा है। और जीवन में मज़ा आए इसका संबंध उससे रहता है कि आप कर क्या रहे हो, आप जा कहाँ रहे हो, इसके बारे में आपको स्पष्टता हो तो अधिक आनंद, मज़ा अगर हम दूसरा शब्द लें तो आता है। तो आप ये बताएं कि ज्योतिष के द्वारा जीवन के लक्ष्य के बारे में आप किसी को संकेत यदि करें, और तो वो हर एक अमुक अमुक मनुष्य का अलग होगा, पर एक मनुष्य होने के नाते हमारा कुछ लक्ष्य है ऐसा संकेत शास्त्रों से हमको जो मिला है उसको ध्यान में रहते हुए आप बताएं कि आपकी दृष्टि में जीवन का लक्ष्य क्या है? वेद को समझना बहुत कठिन था, तब जाके पुराणों का निर्माण हुआ, और पुराण जो बताते हैं वो जिंदगी कैसे जीने की, तो ग्रह और पुराण को अगर साथ में जोड़ दो तो हम सही रास्ता दिखा सकते हैं कि इंसान को किस तरह से जीना चाहिए, इंसान को कौन से रास्ते से जीना चाहिए। और दूसरी बात कि ग्रहों के हिसाब से अगर पता लगता है कि मेरा समय ये सही है, तो हम उस सही समय में कितना अच्छा कर सकते हैं, उस चीज़ का मैं उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन देता हूँ। और अगर जीवन का समय अभी समझो कि थोड़ा सा थोड़ा 19-20 है, थोड़ा खराब है, तो उसमें कैसे संयम रखने का और वैसे कैसे चलने का वो मैं बताता हूँ। तो दूसरी बात वो है कि ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है, वो मार्गदर्शन है एक इंसान के लिए बहुत बड़ा। अगर कोई चीज़ है, अगर मैं जानता हूँ जहाँ तक, और जहाँ तक मुझे 40 साल में सफलता मिली है, तो उसमें एक बात ज़रूर है कि अगर ज्योतिष को मार्गदर्शन के हिसाब से अगर किसी को बताया और सामने वाले ने वो मार्गदर्शन के हिसाब से किया, तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। तो आपने बहुत कुछ कहा, लेकिन जीवन का लक्ष्य कोई एक कॉमन सबके लिए? हाँ, लेकिन देखो अभी आपने पहले भी बताया कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई मेरा आध्यात्मिक मेरा वेल्थ कैसा होगा, और जैसे कॉमन मेरी हेल्थ कैसी होगी, मेरे बंगले कैसे होंगे, मेरे पास गाड़ी कैसी होगी, लेकिन वो बात होती है। लेकिन आजकल का युवान बहुत अच्छा और डिफरेंट टाइप क्वेश्चन, जीवन बनाने का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। माहौल बदल गया है, लोगों को बहुत आगे बढ़ना है, जैसे बाकी चीज़ों का बाकी फोर्स का यूज़ करते हैं, वैसे आज लोग अभी ज्योतिष का भी यूज़ करते हैं और ज्योतिष का भी मार्गदर्शन लेते हैं। सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रहा आजकल के युवान, अगर हम बताते हैं कि भाई ये करने से ऐसा हो सकता है, इस समय तेरा अच्छा है, तो दौड़ भागने में भी मुझे सहकार देते हैं और अपनी सफलता प्राप्त करते हैं। ये जो सफलता प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना है, वो सबके जीवन में और अधिक सक्रियता से बना रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए चलते चलते एक जो आपने नमस्कार करके हमारे दर्शकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है, तो थोड़ा सा विनोद का या रसमयता का संपुट लेते हुए, आपने प्रारंभ में ही कहा कि जैसे विवाह हुआ उसके बाद में ऐसा आपके जीवन में संयोग बैठे, तो कई बार ऐसा होता है, जैसे एक आपने लतीफ़ा जैसे सुना होगा कि गुरुजी ने कहा अच्छा काम करना, दूसरे दिन पूछा किसने क्या किया,
तो एक बच्चे ने कहा कि मुझे तो पिटाई हो गई कि क्यों, कि मैंने क्या अच्छा काम किया कि मैंने बुढ़िया को रास्ता पार कराया, तो कि फिर क्या हो गया कि उसने मुझे लपड़ मार दी कि क्यों, कि वो रास्ता पार करना चाहती नहीं थी। तो इस तरह से जो कृतज्ञता व्यक्त करने का भाव है, अच्छा अक्सर पतियों के लिए, मैं ये पूछ रहा हूँ, पत्नियों के लिए भी हो सकता है वैसे, तो कई बार पति कृतज्ञता व्यक्त करने के भाव से कुछ करे तो पत्नी नाराज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। आपके तो शायद हुआ नहीं होगा ऐसा, पर आप बताएं कि इस दिशा में कि हम जिस अपेक्षा से दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं वैसा ही परिणाम उसका आए, ये तो पहले से निर्धारित नहीं होता है। तो कृतज्ञता के प्रकटन के लिए भी आपको थोड़ा बुद्धिमत्ता से प्रयोग करना चाहिए। देखो, भगवान ने अगर बुद्धि दी है तो उसका तो उपयोग करना ही चाहिए और उसी बुद्धि के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बुद्धि के लिए भगवान के पास प्रार्थना भी करनी चाहिए। और जैसे आपने बताया कि भाई आपका शादी होने के बाद अगर आप में चेंज आया, तो ऑफकोर्स वो चेंज आया, क्योंकि एक मेरी अकेले की जो बुद्धि शक्ति थी, तो मेरे घर से भी अगर प्रज्ञा जो है, वो प्रज्ञा का अर्थ वो होता है कि वही बुद्धि है, और फिर मेरी बेटी का नाम नम्रता है, तो फिर मेरे जीवन में नम्रता भी आई, और बेटे का नाम मौलिक है, तो जीवन के अंदर मौलिकता भी आई, तो फिर ऐसे तो बनेगा ही बनेगा, एनर्जी बनेगा ही बनेगा। और रियल में आज मैं बहुत खुश हूँ आप हमारे साथ हो और मेरे साथ इतनी बात की, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। तो ये धन्यवाद करते हो आपने मेरे प्रति भी जो कृतज्ञता जैसा भाव व्यक्त कर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते करते आपकी और मेरी दोनों की तरफ से, जो जो इस बातचीत को देखते हुए हमारे साथ हैं उनके लिए मंगल कामनाएं पहुंचाते हुए हम दोनों की ओर से, आपके जीवन में जो जो अच्छी बातें अब तक नहीं हैं वो होना प्रारंभ हो जाए, शीघ्र गति से हो, ऐसी प्रार्थना के साथ वामन भाई का धन्यवाद करते हुए आपका भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार।